जितना कड़ा संघर्ष का दर्द होगा उतनी ही शानदार सफलता का सुकून आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है, चूँकि आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। और आज हम पहुँच गए हैं जहानाबाद जिले में। जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः ये देसी नस्ल पर यहाँ काम हो रहा है। सोहन लाल जी हैं और बकरी पालन का काम लगभग एक वर्षों से कर रहे हैं। व्यावसायिक तौर पे जो कॉमर्शियल गोट फार्म होता है, गोट फार्मिंग, वही कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्या क्या शुरुआती दौर में इनको समस्याएं झेलने को मिली, खिलाने का क्या प्रबंध ये करते हैं, शेड निर्माण वगैरह कैसे करवाया इन्होंने, तमाम तरह की जानकारी अभी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर, हमारे बकरी फार्म पर आने का भी स्वागत है सर। कब से बकरी पालन की शुरुआत की आप? सर, लमसम साल होने जा रहा है। एक वर्ष से कर रहे हैं? जी, एक वर्ष। अभी वर्तमान में कितनी बकरियां हैं आपके पास? जी, अभी बकरियां तो करीब करीब 40 है, 25 बच्चे हैं। हाँ, टोटल बोल दीजिए। ठीक है, जी 65 लमसम। लगभग 65 हो गया? 65 हो गया सर। इससे पहले क्या करते थे? सर, हम दूध का बिजनेस करते हैं, गाय भैंस भी हमारे पास है। हाँ। जी, आप डेयरी फार्मिंग कर रहे थे? जी। गाय पालन वगैरह कर रहे थे, तो उधर क्या दिक्कत हुआ और बकरी पालन में ऐसा क्या आपको लगा कि इस तरफ आए? जी, मतलब साथ में एक लड़का है तो उसने भी मतलब यहाँ रहने का मतलब यह किया, इसीलिए इसको बढ़ाए हैं बकरी का। जी, बकरी पालने में मतलब उससे डेयरी से बढ़िया बेनिफिट है इसमें सर। इसमें है जी। अभी जो आप ये शेड आपका जो बना हुआ है, टोटल जो एरिया है फार्म का, लगभग कितना होगा ये? 65 फीट लंबा है सर, 28 फीट चौड़ा है। बकरी में बहुत सारी नस्ल होती है, जो बरबड़ी होता है, सिरोही होता है, तो आप ब्लैक बंगाल जो अपना बिहार का देसी नस्ल है, इस पर फोकस किए, ऐसा क्यों? जी सर, ये बच्चा मतलब साल में ज़्यादा देता है, और जो बकरियां हैं जो साल में एक बार देता है, ये 2-3 बार बच्चा देती है सर। एक बार में? जैसे आपके पास तो काफ़ी अच्छी ब्लैक बंगाल की बकरियाँ हैं, काफ़ी उन्नत नस्ल के बकरियाँ ब्लैक बंगाल की आपके पास है, एक बार में कितने बच्चे देती हैं? सर, 3, कोई 4 भी देता है, 2, 1। जी, मतलब कम से कम 2 तो देता ही है। हाँ हाँ, 2। जैसे आप शुरुआती दौर में बकरी पालन की शुरुआत की, तो किसी भी चीज़ का पालन करना आसान होता है, लोग सोच लेते हैं करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में समस्या आती ही है, तो आपको क्या समस्या मिली? जी सर, समस्या तो मिला ही सर, लेकिन झेलना पड़ा। अब मतलब अच्छा लग रहा है पालते पालते। जी, जानकारी न रहने के कारण मतलब 30 बच्चा नुकसान हो गया, और उससे फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के जानकारी ली, उसके बाद सब अब ठीक ठाक चल रहा है सर। वो जो 30 बच्चे मरे, जो मेमने, 30 मेमनों की जो मोर्टिलिटी हुई, कारण क्या था? कारण यही था सर कि उसको घुमाते फिराते नहीं थे, और ये बरसिम्मा घास है, एक मक्खन घास होता है, उसने भरपेट हमने खिलाया। अच्छा। कुट्टी चोकर भी दिया। जी। उसके बाद ये सारे बकरियां फ्लॉप हो गया, टाइम से पहले बच्चा दे दिया। अच्छा। उसी में? हाँ, इसी में नुकसान हुआ। सर, अभी खिलाने की क्या व्यवस्था आप किए हुए हैं? अभी तो सर चरा करके रख रखे हैं अभी। हाँ। जी, पूर्णतः चराई पे है? हाँ जी, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम। खिलाने में कितना खर्चा जाता है? जी, खिलाने के लिए कम से कम तो 15 किलो चोकर, इसको 20 किलो चाहिए। हाँ। जी, प्रतिदिन, तब जाके 60-65 बकरियाँ खाएगा। एक दिन का है? एक दिन का। ये जैसे बकरी में एक चीज़ जो सबसे मेन समस्या होता है कि बकरी को जो है नमी से दूर रखना चाहिए, तो आपके फार्म में जो है ये थोड़ा सा अभी कहीं कहीं ये देख रहा है, तो ये ऐसा क्यों? ऐसा सर, अभी थोड़ा सा पूंजी का अभाव है, इसलिए अभी थोड़ा सा ये चल रहा है परेशानी। सब फिर ठीक हो जाएगा, पैसा होगा, फिर सही से कर लेंगे। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली? कोई सहायता नहीं मिला है सर, ये खुद अपने आप किए हैं सर। सब अपने से किए हैं? जी। आप जो बकरी पालन किए हो, काफ़ी डेंसिटी में है, सघन मतलब मात्रा में, जो सघन पद्धति होता है उसमें आप बकरी पालन किए हुए हैं, तो इसमें टीकाकरण वगैरह का क्या, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? सर, पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब सुधीर सर से मतलब मालूम हो गया है, टीकाकरण करवा लेंगे। सुधीर सर के देखभाल में है सर, अब वही टीकाकरण करते हैं। अच्छा, इसका करते हैं ना? जी जी।
अभी जैसे एक चीज आप बोले कि हम पूर्णतः चढ़ाई पे रखते हैं, ठीक है, तो अभी तो काफी बिहार में अगर बात करें तो काफी बारिश हो रही है, अभी भी कल भी बारिश हुआ था, तो पानी तो आता ही होगा, तो उस स्थिति में भी आप कैसे चढ़ाई पे रख लेते हैं? सर पत्ता वत्ता खिलाते हैं, कुछ होकर कुट्टी भी खिलाते हैं। अच्छा जी, उस स्थिति में मतलब बाहर से हरा चारा वगैरह लाते हैं और वही देते हैं। हाँ जी सर, एक चीज़ ब्लैक बंगाल में शिकायत ये रहती है कि लोग कहते हैं कि जो है इसमें दूध की कमी होती है, इसके कारण बच्चे के जो मेमने होते हैं उनकी मोर्टिलिटी हो जाती है, वो बच्चे मर जाते हैं, तो इस आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर, बच्चे को खुद वो पाल लेती है, ऐसा बात नहीं है। कोई कोई बकरियाँ ज़्यादा दूध करती है, 100-200 ग्राम उससे निकाल भी लेते हैं सर। जी जैसे आपके पास जो काफ़ी तंदुरुस्त ब्लैक बंगाल है, ये सब बकरियाँ लाए कहाँ से? जी मतलब गांव-गांव घूम करके, एक बकरियाँ कभी, दो बकरियाँ कभी खाली भी आ जाते थे, और काफ़ी इसमें किराया उराया भी मतलब ये करना पड़ा, खोज करके लाए हैं दर देहात से। दोस्तों ये यही बात है महत्वपूर्ण जो है, हम लोग कभी मेहनत अच्छे से करते नहीं, और मेहनत करने से यूँ कहें तो कतराते भी हैं, और हम शिकायत करते हैं कि हमको जो बकरी मिली है वो अच्छी नहीं मिली है, चाहे उसका ग्रोथ नहीं है। ऐसे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना पसीना बहाना पड़ेगा, और तब जाके ऐसे ऐसे उन्नत नस्ल की बकरियां आपको मिलेंगी, और तब जाके आप जो बकरी फार्म खोलेंगे या बकरी पालन करेंगे तो उसमें आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। सर आखिरी सवाल जो मैं सभी लोगों से करता हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वैसे हमारे दर्शकों को आप बकरी पालन के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अच्छा बात है, पाले तो, मेहनत करे तो अच्छा बात है जी। बकरी पालना अच्छा है, लेकिन इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सर, तभी आगे बढ़ेगा और फायदा है इसमें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे सोहन लाल जी, जो कि बिहार के जहानाबाद ज़िले के हैं और बकरी पालन कर रहे हैं, पूर्णतः देसी नस्ल को इन्होंने अपनाया है, और ब्लैक बंगाल से फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी इन्होंने अपना पसीना बहाया, मेहनत किया, तब जाके आज इतने जो आप अभी स्क्रीन पे बकरियों को देखे होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ब्लैक बंगाल की बकरियाँ, काफ़ी ऊँची हाइट में ब्लैक बंगाल की बकरियाँ इनके पास है, दूध की कमी नहीं है, और बच्चे जो हैं, मेमने जो आते हैं वो भी काफ़ी, उनका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आपसे भी हमारा आग्रह है कि ऐसे ही करके आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना पसीना बहाइए, और तब जाके बकरी पालन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं शीघ्र देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।